केजीएफ की फोटो मैंने लगाया अभी जस्ट। तो आपको डायल में जाना है, डायल में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। कभी कभी रहा है अंदर से ये शॉर्ट हो गया है, हमने बाप हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ID 116 के वॉच में अपनी फोटो कैसे लगाएंगे, वॉलपेपर को कैसे लगाएंगे, किसी भी सेलिब्रिटी या तो किसी हीरो या हीरोइन की फोटो कैसे आप लगाएंगे अपने ID 116 के स्मार्ट वॉच में। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप बताइए, क्योंकि हम जब डायल में जाके सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जावा नेट टाइम आउट बता रहा है और शॉक बता रहा है। तो ऐसे में मैंने कहा कि चलिए एक प्रॉपर एक वीडियो बना ही देते हैं इस पर। तो अभी मैंने फिट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लिया, आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है फिट प्रो ऐप। अभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जावा टाइम आउट या शॉक करके कुछ आ जाता है, तो जब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, सेट पे जाना है। सेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाए, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद डिवाइस सर्च करेगा, जैसे ID 116 है ना, सर्च करेगा, तो ये सर्च कर लिया, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट वॉच हमारे फ़ोन से, पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट हो जाए, तीसरा चौथा अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो है कि ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, सेट पे जाना है और हमें देखना है कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो फाइंड पे हमने जाना है। फाइंड पे जाएंगे तो देख लें वाइब्रेशन हो रहा है हमारा वॉच, इसका मतलब ये है कि वॉच कनेक्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि यार कैसे हम डायल में जाके कैसे आप फोटो को लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायल में जाना है। डायल में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इशू आ जाती है जावा का, हर टाइम नहीं आता, कभी कभी आता है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो डायल में जाएंगे तो देखो आप जावा का आ गया ना, जावा नेट शॉक, तो कभी कभी आ जाता है। आपको क्या करना है, बैक जाना है और फिर से डायल पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, जब फिर से डायल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके का, लोडिंग ले रहा है अभी, तो लोडिंग ले रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, बस आपको रिट्राई करते रहना है। ये आ गया ना फिर से वही चीज़, तो हमें क्या करना है, बैक जाना है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमारे को फिट प्रो ऐप को फिर से ओपन कर लेना है, देन बैक आना है और यहाँ से फिर से हमारे को डायल पे सेटिंग पे चले जाना है। जब डायल सेटिंग पे जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, परेशानी होगी, बट फोटो लग जाएगा। कभी कभी इशू आता है ये वाली, तो अभी तक लोडिंग ले रहा फिर भी जावा बता रहा है। तो फिर से हमने इसको कर दिया, लोडिंग ले रहा है, जावा का ही बता रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले मैसेज पुश में जाना है, एक बार ये करके देख लेते हैं। मैसेज पुश में जाना है और यहाँ से कॉल का भी ओपन कर देते हैं, SMS का भी ओपन कर देते हैं। ठीक, और SMS का भी ओपन कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, WhatsApp को भी आपको कर लेना यहाँ से अलाउ। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बैग जाना है और फिर जाना है हमारे को डायल सेटिंग में। आप देखते हैं क्या बता रहा है, लोडिंग ले रहा है। फिर से जावा नेट शॉक बता रहा है, तो दोस्तों हमने डायल सेटिंग पे क्लिक कर दिया तो अभी लोडिंग ले रहा है। थोड़े समय के बाद तो डायल सेटिंग हमारा आ जाएगा, तो हम वहाँ से डायरेक्टली कोई फ़ोटो या वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो लोडिंग ले रहा है, टाइम जावा सेटिंग बता रहा है यार इसमें भी।
तो अभी लोडिंग ले रहा है, फिर से हमने एक बार रिट्राई किया है। टाइम जीव जाओ बता रहा है, उसके बाद हम तो यार दोस्तों ये तो ऑटोमेटिक बंद हो गया यार, अंदर से शॉर्ट कर गया क्या लग रहा है कुछ। अभी इसको चार्ज करके देखते हैं, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों अभी मैंने इसको चार्ज किया लेकिन ये चार्ज ले नहीं रहा है, अंदर से ये शॉर्ट हो गया है। हमने बार बार जब ये बता रहा था कि जावा नेट जो है कि टाइम आउट हो चुका है, तो हम बार बार रिट्राई कर रहे थे ना, तो दोस्तों ये अंदर से शॉर्ट हो गया, ये चार्ज वार्ज कुछ ले ही नहीं रहा। आप देख पा रहे होंगे ना ही चार्ज ले रहा है ना ही तो ये ऑन हो रहा है। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, ये समझिए गुजारिश है, या ये समझिए कि मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, जब आपका टाइम आउट हो जाए, जावा नेट टाइम आउट हो जाए, तो आपको बार बार ट्राई नहीं करना है, ठीक है। बार बार ट्राई नहीं करना है, आपको एक दिन के बाद ट्राई करना है या तो कुछ घंटों के बाद ट्राई करना है। और अगर तुरंत ट्राई करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है, आपका स्मार्ट वॉच तुरंत ही शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा तो पानी में चला गया यार, कोई बात नहीं, इस वीडियो से आपको हेल्प मिल गई ना, मेरे लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो इसको चार्ज में जब लगा रहा हूँ ना तो चार्ज ले नहीं रहा है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है, जैसी गलती मैंने करी है आपको गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।